हेलो एवरीवन, आप सबको यूट्यूब चैनल आशा आइडल कुकिंग में स्वागत है। आज आशा आइडल कुकिंग में बन रहा है चटपटा घुगनी और गुब्बारे जैसी पूरी। तो चलिए रेसिपी शुरू करती हूँ। यहाँ पर हमने ले लिया मटर, तो सफ़ेद मटर हमने ले लिया और इसे 4-5 घंटे के लिए भिगो कर रखी थी और अच्छी तरह से धोकर ले लिया पानी के साथ। तो पानी के साथ हम इस मटर को डाल रही हूँ कुकर में, तो हमने डाल दिया। और उसी में डाल रही हूँ हल्दी पाउडर कलर के लिए और डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो हमने नमक भी डाल दिया, लग रहा है थोड़ा पानी कम हो गई। अब हम उसमें डाल देंगे फिर से पानी, ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही पानी डाल देंगे। तो जो मटर है मटर की ऊपर तक हम पानी डाल दिया, एक उंगली ऊपर तक, और कुकर हमने बंद कर दे दिया। अब गैस पर चढ़ा भी दिया, तो इसी तरह हम 4-5 सीटी आने तक रखेंगे। जब 4-5 सीटी आ जाएंगे तब हम अपने आप ठंडा होने के लिए रखेंगे कुकर को। तो जब तक कुकर ठंडा हो जाए तब तक हम आटा गूंद लेती हूँ पूरी के लिए। तो 2 कप हमने मैदा ले लिया और उसी में स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया। उसी में हम डाल दिया 3-4 चम्मच वेजिटेबल ऑयल। तो इन सब को हम उंगली की मदद से इसी तरह मिला लेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिलाना है आटे को और तेल को। तो इसी तरह उंगली की मदद से चारों ओर एक समान कर हम मिला लेंगे। तो हमने मिला लिया इसी तरह, और उसी में हम थोड़ा थोड़ा कर पानी डाल देंगे और आटा को हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। तो हमें सॉफ्ट आटा गूंदना है, हम एक साथ नहीं पानी डालेंगे। तो फिर से हम पानी डाल देंगे, तो इसी तरह पानी डालते रहेंगे और आटा को हम गूंथते रहेंगे। तो 4-5 मिनट के करीब हम आटा को गूंथ लेंगे इसी तरह। तो हमने गूंथ लिया, तो देखिए किस तरह से मचल मचल कर हम गूंथ रही हूँ। आटा को अच्छी तरह से गूंथना हो गई और इसे ढककर हम एक साइड में रखेंगे, तब तक हम घुगनी देख लेंगे। तो घुगनी को प्रेशर कुकर खोल कर हम देखेंगे किस तरह से घुगनी बनी। तो घुगनी चम्मच से हम हिला देंगे, तो इसी तरह हमने हिला भी दे दिया। तो घुगनी अच्छी तरह से पकी और इसे हम तड़का लगाएंगे घुगनी में। तो तड़का के लिए हमने पैन पर तेल भी डाल दे दिया। तेल गर्म हो जाने पर हम उसमें साबुत लाल मिर्च डाल दिया और एक प्याज को बारीक में काट लिया, वही प्याज हम उसमें डाल दिया। प्याज को हम इसी तरह भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो हिलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे, प्याज के कलर चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ इसके कच्चेपन हम दूर करेंगे और इसी तरह हम भून लेंगे। तो प्याज की भुनाई हो गई, अब हम उसमें डाल देंगे एक टमाटर। टमाटर को भी हमने बारीक में काट कर ले लिया, वही टमाटर हम उसमें डाल देंगे। तो टमाटर को हमने डाल दिया और टमाटर को इसी तरह हम भून लेंगे प्याज के साथ, और उसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। तो टमाटर प्याज और अदरक लहसुन को हम अच्छी तरह से भून लेंगे और इसका कच्चापन भी हम दूर करेंगे। इसी तरह हिलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे टमाटर प्याज और अदरक को। तो अच्छी तरह से हमने भुनाई कर ले लिया और उसी में डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, और नमक को भी हम मिला लेंगे। और डाल देंगे सूखे मसाला। पहले हम डाल रही हूँ हल्दी पाउडर कलर के लिए, और तीखा के लिए हम डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और डाल देंगे 1 चम्मच धनिया और जीरा की पाउडर, और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर भी डाल दिया। और अब हम इसमें डाल देंगे चटपटा के लिए चाट मसाला पाउडर। तो 1/2 चम्मच हम चाट मसाला पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे, जब हम सजा लेंगे तो उसके ऊपर सिरक देंगे। तो इन सब मसाला को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिलाना है, जितना हम मसाला को अच्छी तरह से मिलाएंगे उतनी हमारी घुगनी स्वादिष्ट बनके तैयार होंगे। तो इसी तरह हिलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। गैस की फ्लेम हमने मीडियम कर दिया और उसी में डाल देंगे ये उबले हुए मटर। तो इसी तरह हम सारे मटर डाल देंगे। तो हमने सारे मटर डाल दिया और
मसाला के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे ये उबले हुए मटर को। तो मटर भी उबले हुए हैं और मसाला भी पके हुए हैं, तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे जब हम इसे दम में रखेंगे। तो 5 मिनट हम इसे धीमी आंच में रखेंगे। मटर और मसाला को अच्छी तरह से मिलाना हो गई, अब हम इसे ढककर स्लो फ्लेम में रखेंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट बाद देखिए हमारी घुगनी बनके तैयार हुए। तो बहुत ही चटपटा घुगनी है ये, और इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। तो पहले हम गैस बंद कर देंगे, उसके बाद हम ये निकाल लेंगे। तो इसी तरह हम घुगनी निकाल रही हूँ। तो हमने निकाल ले लिया, और उसमें हम कटे हुए टमाटर, प्याज, चाट मसाला और काले नमक के साथ हम सजा लेंगे। तो पहले हम टमाटर डाल रही हूँ इसी तरह, और उसके बाद हम डाल देंगे कटे हुए प्याज। तो हमने बारीक में काट लिया था वही प्याज टमाटर हम उसमें डाल दिया, और उसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए हरा मिर्च। तो हरा मिर्च भी हम उसमें डाल दिया, और डाल देंगे काला नमक थोड़ा सा। तो काला नमक भी हम इसमें डाल दिया, और डाल देंगे चाट मसाला पाउडर। चाट मसाला पाउडर डालने से बहुत ही चटपटा बनती है, तो चाट मसाला पाउडर भी हम उसमें डाल दिया, और बहुत ही चटपटा टेस्टी घुगनी बनके तैयार हुई है। आप इसे ऐसे ही खा सकती हो या पूरी के साथ भी खा सकती हो। तो आप इसे ब्रेकफास्ट में लीजिए या इवनिंग में लीजिए। तो हमने आपको जूम कर भी दिखा रही हूँ, देखिए। और इसे हम एक साइड में रख कर फिर पूरी तैयार कर लेती हूँ। तो भटूरे जैसे पूरी हम तैयार करेंगे। तो डो को हमने सरफेस में ले लिया, और इसे हम इसी तरह गूंद लेंगे थोड़ी देर के लिए, और इसके लोई काट लेंगे। तो लोई काटने के बाद हम इसका पेड़ा भी तैयार कर ले लेंगे इसी तरह। तो हमने सारे पेड़ा इसी तरह तैयार कर ले लिया, और हम बेलन से बेल लेंगे पूरियाँ। तो भटूरे जैसे पूरी बनाना बहुत ही आसान है। तो आटा को सॉफ्ट कर गूंदना है, और इसे रेस्ट में रखना है आधा घंटा के लिए। तो इसी तरह हमने सारे पूरी बेल लेंगे। तो पूरी को हम रोटी जैसा ही बेल लेंगे, जिस तरह से हम रोटी तैयार कर लेती हूँ वैसे ही हम पूरी को बेल लेंगे। तो देखिए हमने उसी तरह पूरी को बेल ले लिया। और पूरी को हमेशा ज़्यादा गर्म तेल में ही डालिए, तब भी पूरी भटूरे जैसे फूल पाएंगे। अगर उतनी गर्म नहीं होंगे, कम गर्म तेल में आप डालेंगे तो कभी नहीं भटूरे जैसे फूलेंगे, तब चपटा बन के तैयार होंगे। तो इसी तरह हिलाया, देखिए किस तरह से गुब्बारे जैसे फूल कर बने ये पूरियाँ। तो अब हम इसे पलट देंगे। तो इसी तरह भटूरे जैसे पूरी बन के तैयार हुए, अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। तो दूसरी भी हम इसी तरह डाल देंगे, और कलछी के मदद से इसी तरह हम हिलाएंगे। तो देखिए किस तरह से फूल रहा है। तो इसे फिर से हम पलट देंगे, तो फिर हम निकाल लेंगे। तो देखिए गुब्बारे जैसे फूल के तैयार हुए पूरियाँ। तो गरम तेल में ही डाल देना है। तो फिर से हमने गरम तेल में डाल दिया, गैस की फ्लेम हाई रखी, और छारी से इस तरह से दबा दबा कर हम फुला रही हूँ। तो इसे पलट देंगे। तो बहुत ही आसानी से भटूरे जैसे पूरी बनके तैयार होती है,
और इसे हम परस देंगे घुगनी के साथ, चटपटा घुगनी और भटूरे जैसे पूरी। तो इसे आप रमज़ान में बनाइए और इसका स्वाद लीजिए। जो नई व्यूअर्स हमारे चैनल को पहली बार देख रही है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही में लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए। और फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।